हाँ बोलो, क्या बोलो बताओ। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, क्यूब रूट ऑफ 7 + x² सेवन प्लस एक्स स्क्वायर का क्यूब सॉरी रूट। एक्सटेंड्स टू 1 रखते हैं इसमें। हाँ सर सॉरी एक्सटेंड्स टू 1 वन बाई थ्री। अब माइनस और अंडर रूट ऑफ 3 + x² बाय एक्स प्लस वन और बाय एक्स माइनस वन सर। बाय एक्स माइनस वन बराबर यही है ना। अच्छा यस सर। ठीक सर है। इसको एल हॉस्पिटल के बिना कैसे कर सकते? नहीं, एल हॉस्पिटल रूल तो मैं ये क्वेश्चन में यूज करने की एडवाइस ही नहीं करता एक्चुअली, है ना। तो बेटा इसमें एक तरीका तो ये है बेटा, इसको ए ले ले। किसी बच्चे ने तो बताया था ये मेथड, इसको बी ले ले, राइट। और इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं पता है? ए रेज टू पावर 6 माइनस माइनस बी रेज टू पावर 6। एक मिनट रुक रुक पर प्लस लिमिट रुकना 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 रुकना। ए माइनस बी इंटू, रुक जाए एक बार, इसको मल्टीप्लाई कर इससे, इस फैक्टर से। ए रेज टू पावर 5 प्लस ए रेज टू पावर 4 इंटू बी प्लस ए क्यूब इंटू बी स्क्वायर। तो समझ गया ना बेटा मैं क्या लिख रहा हूँ? यस सर। ए स्क्वायर बी, हालांकि ये मेथड तुझे लंबा दिख रहा है बट इजी है एक्चुअली, है ना। फिर ए स्क्वायर बी क्यूब प्लस ए बी 4 एंड प्लस बी कितना 5। तुझे पता है ना इन सब की वैल्यू पता है। ए कितना है बता? 2 है ना। यस सर। और बी कितना है? बी भी 2 है ना, यस सर। है ना। तो ए और बी की वैल्यू तो यहां रखना है, तो जोकर है ना भाई, इसकी तो वैल्यू निकल ही जाएगी ना। सॉरी डिनोमिनेटर जोकर है, ये डिनोमिनेटर तेरा आ गया। अब बच्चा एक चीज बता, ये दोनों मिलके क्या बन गए? ए माइनस बी इंटू, ये फॉर्मूला है ना, ए रेज टू पावर हाँ 6 माइनस सर। बी रेज टू पावर 6, है ना यस फॉर्मूला, ए सर। रेज टू पावर 6 माइनस बी रेज टू पावर 6। यस सर। तो ए रेज टू पावर 6 कितना बना बेटा? 7 +7 + x² हो एक्स सकता स्क्वायर है इसके पावर स्क्वायर 6 स्क्वायर आ जाए स्क्वायर माइनस बी रेज टू पावर 6 मतलब थ्री पावर प्लस थ्री आ एक्स जाए स्क्वायर होल क्यूब होल बराबर है क्यूब। बेटा, डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई वन अपॉन। बेटा ए का वैल्यू 2 है और बी का वैल्यू भी 2 है, ए और बी दोनों को 2 यहां डाल, वही तो डिनोमिनेटर है। तो ये तो आंसर में आ ही 32 जाएगा इंटू ना, 5 आ जाएगा। ये तो आ ही जाएगा ना जो भी आएगा, यस सर। बराबर है ना। अब ये सॉल्व हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यस सर। हाँ हाँ फैक्टराइज कर लेगा ना इसको। हाँ सर। अच्छा इसको फैक्टराइज करने के लिए पता है क्या करना है? ये करना 7 + x² होल स्क्वायर माइनस वन माइनस 3 - x² होल क्यूब माइनस वन। ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये एक माइनस बी वाला, एक्स माइनस वन टोटल फैक्टर कॉमन आ जाएगा, कट जाएगा, और फिर वैल्यू डाल देना। पहला तरीका तो ये हो गया बेटा, ठीक है। अभी दूसरा तरीका देख, ये कर इसमें, इसमें से ये एक्स स्क्वायर है, गारंटी है क्या ये एक्स स्क्वायर है? नहीं हाँ एक्स सर क्यूब है, ये एक्सक्वायर एक्स क्यूब है, ये एक्स नहीं क्यूब सर है। एक्स सर एक्सक्वायर अरे यार सर ऐसे कैसे वरना वो होगा? तो इंडिटरमिनेट फॉर्म के लिए बना। अच्छा नहीं एक्स क्यूब होता है इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं क्यों नहीं नहीं सर बनेगा? बन जाएगा सर सर बन जाएगा ना। बट एक्सक्वायर ही क्वेश्चन। अरे यार फिर तो कुछ गड़बड़ है। देख सुन, एक्स टेंडिंग टू वन इंडिटरमिनेट फॉर्म तो लेकिन बन ही रहा है, ठीक है। 7 + x² सर अगर क्यूब होता तो फिर वो बायनोमियल मिला लो के से। हाँ क्यूब में तो बाइनोमियल लगा देते थे फटाफट से। अच्छा चल एक काम करते हैं, नहीं पर लेकिन वही यही मेथड हो जाएगा वो भी। 7 + x² 7 + x² टू दी पावर 1/3 माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन। अब मैं सोचता हूं कि इसमें यही वाला रिजल्ट अगर मैं यूज करूं तो इसमें 6 आएगा एक जगह, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं है।
और ये वाला खैर हो ही जाएगा, प्लस 3 माइनस x स्क्वायर ले ले, माइनस सॉरी 3 माइनस x स्क्वायर, 3 प्लस x स्क्वायर अंडर रूट में लिया, माइनस वन यहाँ पे और यहाँ पे x माइनस वन, इसको भी अगर अपन करें, हाँ ये तो हो जाएगा, इसको रैशलाइज करेंगे तो हो जाएगा, ये तो हो जाएगा ना, अच्छा रैशलाइज करेंगे तो। अब इसके रैशलाइज करने में वही वाली कहानी है, मतलब इसको a ले लो, इसको b ले लो और मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो किससे, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से, डिवाइडेड बाई ए का वैल्यू कितना है, 2 है ना, और बी का वैल्यू 1 है, तो 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर में बच गया, इधर क्या बचता है जरा ध्यान दें इसका सिक्स प्लस क्यों। एक्स स्क्वायर हाँ बेटा क्या, सिक्स प्लस एक्स स्क्वायर बच जाए। 6 प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन, ये फालतू क्वेश्चन है, नहीं ये रॉन्ग है बेटा, ये रॉन्ग है, रॉन्ग है, रॉन्ग है, क्योंकि एक्स ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म ही देगा आंसर, यहां से भी इंडिटरमिनेंट ही देगा, इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं, नॉट डिफाइंड। ये मुझे लगता है तूने क्वेश्चन पूछ लिया किधर से पता है, वो एसटीपी से बराबर, हाँ यस उसमें 2-3 क्वेश्चन रॉन्ग थे, मैंने पिछले साल भी सर, डिस्कस बट किया था इसका अगर एक आध एल कुछ। हाँ एल इसमें एल हॉपिटल लगा के आंसर आ जाता है। हाँ सर, -1/3 आता है। लॉपिटल लगा के आंसर आ जाता है, हाँ सर, यस सर। अच्छा तो ये इन्फिनिटी बन रहा है तो अगला वाला भी इन्फिनिटी बन रहा होगा, देख ले एक बार इसका, उसको रेशलाइज किया तो ये क्या बनता है, ये क्या बनता है देखते हैं, लेकिन ये डिनोमिनेटर तो फिक्स हो जाएगा और न्यूमिनेटर इसके साथ चला जाएगा, 6 प्लस x स्क्वायर आंसर इसको में भी रेशलाइज सर करना, उन्होंने रुकना लॉपिटल को रुकना ही रुकना, लगाया। प्लीज 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 1 मिनट, हाँ इसको अपन लोगों ने क्या किया, रेशलाइज किया, इसको रेशलाइज किया तो न्यूमिनेटर कितना बना यहाँ पे, माइनस सर यहाँ पर 3 2 टू माइनस प्लस एक्स एक्स स्क्वायर स्क्वायर टू बन प्लस जाएगा। एक्स स्क्वायर है ना, 2 प्लस x स्क्वायर बचेगा ना, सर उधर दूसरे वाले में a² + ab + b² नहीं रहेगा बेटा ऊपर न्यूमरेटर। सुन ऊपर नहीं बचेगा ये, ऊपर हाँ तो सर, सिक्स वो प्लस एक्स स्क्वायर ही बचेगा, नीचे ये हाँ सर बचेगा, नीचे बच जाएगा। हाँ आप देख ऊपर बच रहा है यहाँ पे 2 प्लस x स्क्वायर बराबर ना, और डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है, टू एक्स माइनस वन और उसका वो प्लस वन, 2 प्लस 1 बस, इसका प्लस के साथ में मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा है ना बेटा, यस सर तो यहाँ 2 बचेगा और यहाँ 1, तो 3 बचेगा यहाँ बस है ना। यस सर अब देख एक बार करते हैं, ये सर भी एक्स इंडिटरमिनेंट माइनस फॉर्म वन भी बन इंटू जाएगा। एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन, राइट, तो ये भी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म बन गया ना। हाँ अपन ने अधूरे में ही बोल दिया कि ये गलत है, ठीक है ये कितना बन रहा है, 6 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7 बराबर, और यस सर ये 3, तो एलसीएम आ गया 21 टाइम्स x माइनस 1 बराबर है, सही यस और नो। यस अच्छा 7 तो चला गया यहां से, 3 बचा तो 3 से मल्टीप्लाई करो उसको, 18 प्लस 3 x स्क्वायर बराबर है। सर 4 - 4x² आ जाता है ऊपर। बेटा ये बता देना एक बार, मैं लिख तो दूं कम से कम, सर माइनस ये कितना माइनस आएगा, फोर्टीन 7 से माइनस मल्टीप्लाई तो सेवन 14, 14 - 7x स्क्वायर ये आ रहा है ना। यस सर अच्छा ठीक है, 18 - 14 कितना हुआ, 4 4, और 3 - 7 कितना हुआ, अरे वाह यार मजा आ गए, हो गया क्या क्वेश्चन, यस सर मस्त क्वेश्चन है कितना मजा है, यहां से लगता है कि क्वेश्चन गलत है लेकिन ठीक है, यहाँ इन्फिनिटी आ रहा है लेकिन इसमें भी तो इन्फिनिटी आ रहा है, ये चेक ही नहीं किया अपन ने, ठीक है सर आपने इसको किया कैसे? आप थोड़ा वापस एक्सप्लेन करोगे क्या? बीच में कनेक्शन गया था स्टार्टिंग वाला पार्ट से। हाँ अरे रिकॉर्ड किया हुआ है, रिकॉर्ड किया हुआ है, बहुत माथा सर ठीक पच्ची है, की है तो रिकॉर्डिंग देख लो। रिकॉर्डिंग देखेगा ना हाँ तुझे सर समझ में आ जाएगा बेटा, रिकॉर्डिंग देख लो। हाँ है ना, ओके चलो बढ़िया है, और कोई ऐसा तो कोई डाउट है क्या जो इसमें फंसे हो तुम लोग, मजा आ गया लेकिन। नहीं सर बाकी अरे सारे पता है हो गए चक्कर फंसे। क्या है, सुनो सुनो ना, मैंने यहाँ देखा, मैंने देखा इन्फिनिटी आ रहा है और ये तो कुछ अच्छा आ रहा होगा, आंसर आ रहा होगा राइट, तो मैं उसको इग्नोर मार गया, इसको इग्नोर मार गया और वहीं पे गड़बड़ हो गई एक्चुअली, और फिर तुमने जब बताया ना कि डिफरेंशिएट करके आंसर आता है, सोचो एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में तो अपन उसको बोनस मान के छोड़ के आ जाते हैं कि ये तो बोनस ही है, शिट यार सर एग्जाम में अलजेब्रा से करते हूँ, एल हॉस्पिटल ही लगा देते। एग्जाम में आएगा तो एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे, ऐसा बोल रहा है हाँ सर
अच्छा पक्का? मतलब जो क्वेश्चन में सुनना अगर सुनना लगता है सुनना तो सुनना सुनना, जो क्वेश्चन नहीं होएगा पक्का एरोस्पिटल रूल लगाएगा ना। सर नीचे एक्स माइनस वन है तो नीचे का तो कुछ बचने नहीं अरे वाला, तो इसलिए अच्छा बने। हाँ अच्छा बन जाएगा। ओके चल सुन, ध्यान दे, ये अपन ने किया था लास्ट टाइम से ये, सुनो। सर लेकिन आपने एक बाइनोमियल वाला एक क्वेश्चन दिया था, वो नहीं होगा शायद से। अरे बहुत सारे नहीं होते यार, ये तो क्या है, इस चैप्टर वाले सारे क्वेश्चन हो जाते हैं जो अपनी बुकलेट वाले, बाकी बहुत सारे नहीं होते। बता ये क्वेश्चन किया था, एक्सटेंडिंग टू जीरो के लिए साइन एक्स बाई एक्स क्या होता है बता? वन होता है ना, वन है ना। अच्छा अब बता मुझे ये, एक्सटेंडिंग टू जीरो के लिए बच्चे साइन नहीं, एक्सटेंडिंग टू एक मिनट रुक, साइन वन बाई एक्स इंटू एक्स क्या होता है चल बता। सर एक्सटेंडिंग वन टू ही क्या? रहेगा ना, इसको ऐसे लिखेगा ना, साइन वन बाई एक्स अपॉन वन बाई एक्स ऐसे ही बोलेगा ना इसको। यस सर। यस सर। सर अब बता कंडीशन क्या थी इसके वन बनने के लिए, एक्सटेंड्स टू जीरो फिलहाल नहीं। इसके लिए कंडीशन ये थी कि ये देख, ये कंडीशन होती है साइन फंक्शन अपॉन फंक्शन लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो। एक्सटेंडिंग टू कुछ भी हो, इफ फंक्शन टेंड्स टू जीरो फॉर एक्स टेंड्स टू ए, राइट। इफ फंक्शन टेंड्स टू जीरो फॉर एक्स टेंड्स टू ए, राइट, देन दिस आंसर इज ऑलवेज वन। वही हो गया ना, मतलब ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन हो गया ना बेटा, यस सर। राइट। अब बता एक्स टेंड्स टू जीरो के लिए जीरो बन रहा है क्या बेटा? नो सर। तो इसको कैसे लिखेगा, ऐसे लिखेगा ना, साइन अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी अपॉन अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी से, यस और नो? सर नॉट डिफाइंड आएगा, जीरो को आ जाएगा टेंडिंग रुकना टू जीरो रुकना आएगा। रुकना रुकना, प्लीज डिस्कस करने देना थोड़ा। साइन अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी कितना होगा बेटा? मान ले कोई ग्राफ वन बनाए, ऐसे ग्राफ बना रहा है और तेरे से पूछ रहा है कि बताओ ये ग्राफ इंफिनिटी पे कहाँ होगा, तो क्या बोलेगा? -1 से 1 के बीच में। वैल्यू बिटवीन -1 एंड 1 डिवाइडेड बाई टेंड्स टू इंफिनिटी, यही आएगा ना बेटा। यस सर। भाई साइन ऑफ इंफिनिटी का मतलब क्या हुआ, एग्जैक्ट इंफिनिटी तो है नहीं, तो ये पूछ रहा है कि बताओ इंफिनिटी में साइन एक्स का ग्राफ कहाँ रहेगा, तो अपन बोलेंगे यार पता नहीं कहाँ रहेगा लेकिन रहेगा -1 और 1 के बीच, ऐसे ही बोलेंगे ना। यस और उसको अगर डिवाइड कर दो इंफिनिटी से तो क्या हो जाएगा, टेंड्स टू जीरो। देखो इसका आंसर 0 है। देखो इसका आंसर 1 बनने के लिए ये कंडीशन है, ध्यान रखो, ऐसे 1 मत बना दो हर बार, इसको 1 बनने के लिए ये टेंड्स टू 0 होने चाहिए और दोनों सेम होने चाहिए तो ये 1 बनता है, अदरवाइज 1 नहीं बनता है, राइट बच्चों? तो फिर एक बात बताओ, एक्स टेंड्स टू 0 के लिए एक्स साइन 1/x की वैल्यू कितनी है, 0 है ना यस बच्चों? यस यस सर। एलो हॉस्पिटल से cos 1/x। रुक ना यार, रुक तो जा, एक बार रुक तो जा, ये सही है, समझ में आया नहीं आया बच्चों? हाँ सर। अच्छा ठीक है, तो फिर आप सब सब लोग ध्यान दो। अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 के लिए एक्स साइन 1/x, बच्चों वापस बताओ इसकी वैल्यू कितनी है? जीरो जीरो है जीरो ना, पक्का है ना 0 है? हाँ सर। इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ और इसको एक्स से डिवाइड करता हूँ, अब भी आंसर 0 ही आना चाहिए ना इसका। यस सर। बोलो बोलो। अरे अभी फॉर्म एक्स्ट्रा, चेंज हो गया है ना, इंडिटरमिनेंट फॉर्म। अरे एक्स्ट्रा क्लास है ना, मतलब शाम का डाउट लेक्चर समझ के नहीं आते हैं तो मत आने दो ना, अपन तो अच्छी चीज कर रहे हैं ना। बताओ इसका आंसर भी 0। अरे टेंड्स टू 0 बाई टेंड्स टू 0 फॉर्म तो है ही ना बच्चों, वही आएगा सर, 0 ही आएगा। तो आंसर 0 या 0 ही आएगा ना। अरे वापस बताऊं? अरे बाबा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया, ऐसा कुछ किया, ऊपर वाले क्वेश्चन को दोबारा लिख दिया, इस क्वेश्चन को फिर वापस लिख दिया कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 के लिए एक्स साइन 1/x क्या आया, तो यह आया ना आंसर, यस। मतलब एक्सटेंड टू 0 के लिए दिस इज टेंडिंग टूवर्ड्स 0, ऐसा आ रहा है ना, यही तो बोल रहे बेटा। अब मैंने इस क्वेश्चन को रीराइट किया, एक्स स्क्वायर साइन 1/x अपॉन एक्स, मान ले एग्जाम में तुझे ये क्वेश्चन पूछा तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, 0 ही आना चाहिए ना, जीरो यस सर। बताओ बच्चों 0 ही आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए?
आना ही चाहिए, आएगा ही, जीरो ही आएगा. इज करेक्ट आंसर, इज करेक्ट आंसर, ऑब्वियसली. बोलो बच्चों, ठीक है कि नहीं है? यस सर. अब देखो चक्कर इसमें, एक बात बताओ बच्चों, ये वाली फॉर्म तुम्हें समझ में आ गया ना कि सर जो है ना बहुत देर से एक ही क्वेश्चन पे बार 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 बातें करते हैं, है ना? ये समझ में आया कि नहीं? डिवाइड किया ना एक्स से. हाँ, बस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करके नया क्वेश्चन दिखा दिया, आंसर तो तब भी जीरो ही आएगा ना. अरे बाबा कैंसिल कर दो, फिर लिमिट से सॉल्व कर लो. लेकिन बच्चों तुम्हें नजर नहीं आता कि ये टेंड्स टू जीरो बाय टेंड्स टू जीरो फॉर्म तो है ही. अरे बाबा न्यूमरेटर टेंड्स टू जीरो तो रहेगा ही ना तब भी. ये वाली वैल्यू कहाँ जाएगी बच्चों? ये वैल्यू तो माइनस वन और वन के बीच में रहेगी ना. Yes, sir. Yes, sir. और ये जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो न्यूमरेटर जीरो बन ही जाएगा तब भी, मानते हो? Yes, sir. और डिनोमिनेटर एक्स आ रहा है वो भी जीरो बाय जीरो फॉर्म ही है ना. बताओ बच्चों जीरो बाय जीरो फॉर्म में एल हॉस्पिटल रूल लगता है कि नहीं लगता है? वो डिफरेंशिएशन वाला रूल लगता है कि नहीं लगता है? लगता है, लगता है. लगता है ना, तो यहाँ लगना चाहिए ना, यहाँ लगना चाहिए ना, क्या बोलते हो? यस सर. हाँ अब लगा के देखो, देखो लगाते हैं. ऊपर का डेरिवेटिव बच्चों एक्स स्क्वायर एज इट इज, प्रोडक्ट फॉर्मूला लगेगा ना न्यूमरेटर में तो. यस सर. साइन वन बाय एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा बच्चों? कॉस वन बाय, कॉस वन बाय एक्स प्लस वन बाय एक्स का डेरिवेटिव एल एक्स. नहीं वो तो इंटीग्रल होता है. अच्छा इंटीग्रल सर, टू एक्स है. नहीं बेटा सुन. अच्छा हाँ सर सर, समझा. प्रोडक्ट फॉर्मूला लगा रहे ना एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसका डेरिवेटिव ये टू एक्स इंटू साइन वन बाय एक्स. फिर हाँ अब तूने सही बोला, फिर 2x into sin 1 by x ये आ जाएगा. और लिमिट है कितनी बच्चे? एक्सटेंडिंग टू जीरो, बराबर है? यस सर. यस सर. आप सोचो ये जीरो बना कि नहीं बना बच्चों? अरे ये तो ऊपर वाला क्वेश्चन ही है, यही है ना क्वेश्चन? यस ये तो जीरो आएगा. यस सर. बच्चों ये x स्क्वायर कट गया कि नहीं कट गया? यस सर. अब बताओ एक्सटेंडिंग टू जीरो के लिए बच्चों ये क्या बनेगा? वैल्यू बिटवीन माइनस वन एंड वन और ये जीरो, तो बच्चों इसका आंसर कितना आ गया? वैल्यू बिटवीन माइनस वन एंड वन. फिक्स वैल्यू आ रही है क्या बच्चों? सर एक्स एंड वन मैक्स भी तो एल हॉस्पिटल मतलब वो भी तो वैसे ही. क्या क्या वापस बोल सर? मतलब इधर भी जीरो डाल ही दो मतलब. नहीं मैं समझा नहीं, मतलब मैंने पता है मैंने क्या बताया, मैंने पार्ट बताया. आई एम जस्ट डिस्कसिंग दैट व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ डिफरेंशिएशन रूल. ड्रॉबैक है कि नहीं है? नजर नहीं, नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि डिफरेंशिएशन वाला रूल जो है ना उतना परफेक्ट नहीं है. ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक्चुअली इसमें कुछ कंडीशन है. हमारी जो बुकलेट है वो बुकलेट जिस स्टेटस में बनी हुई है वो तीन चैप्टर पहले बनी हुई है. ये जो चैप्टर आएगा ना बच्चों मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, अगर लिमिट का बुकलेट इसके बाद बनाओ तो तुम्हें एल हॉस्पिटल रूल लगाने से पहले कुछ कंडीशंस देखनी पड़ती है, अदरवाइज एल हॉस्पिटल रूल तुम लोग नहीं लगाते हो. अनफॉर्चुनेटली लिमिट की बुकलेट में सारे क्वेश्चन में, ज्यादातर क्वेश्चन एल हॉस्पिटल रूल लग जाता है. ठीक है, तो मैंने याद करो मैंने फर्स्ट डे क्या बोला था कि यार इस बुकलेट में एल हॉस्पिटल रूल अवॉइड करने की कोशिश करो. मैं नहीं कहता कि मत लगाओ, अगर कोई इस क्वेश्चन में फंस गए हो और बुकलेट पूरी करनी है तो लगा दो, क्या है, बाद में सिखाएंगे ये सब चीजें, तो सिखाएंगे बाद. अच्छा तुम्हें एक बात बताओ, ये वाली स्लाइड का पर्पस समझ में आया कि नहीं आया? पहले तो ये कन्फर्म करो ना यार. यस सर. एक और डाउट था. हाँ बोलना. सर हम लोग ने मतलब एल हॉस्पिटल जो रूल है वो मतलब पढ़ तो लिया, बट उसका प्रूफ आया कैसे? हाँ इसका प्रूफ आएगा ना यहाँ पे, मैं प्रूफ कराऊंगा इसको. और पता है इसका इतना इजी प्रूफ है बच्चों, तुम लोग बोलोगे यार सोचो कोई लिमिट जो है ना एक्स, ऐसी लिमिट है एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, राइट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन, ऐसी लिमिट है. तो इसका आंसर और इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएट करके आंसर सेम आता है. ऐसा नहीं लगता कि ये मैजिक है? मैजिक ही लगता है ना बच्चों? अरे बाबा आंसर तो सेम ही आता है ना. यस सर. और लगता भी मैजिक है, ऐसे कैसे हो सकता है यार, डिफरेंशिएट कर दो फिर भी आंसर सेम आ रहा है. लेकिन बच्चों ये मैजिक नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है. और ये कॉन्सेप्ट यहाँ पढ़ाते हैं और इसको जब प्रूव करते हैं ना बच्चों इस चैप्टर में, तब लगता है इसका इतना सिंपल प्रूफ है, बहुत सिंपल प्रूफ है इसका. लेकिन अभी नहीं कर सकते,
इसके लिए डिफरेंशिएबिलिटी आना जरूरी है। ये चैप्टर लिमिट्स के बाद कंटिन्यूटी और फिर डिफरेंशिएबिलिटी, ऐसे दो चैप्टर अभी बचे हुए हैं इसके बीच में, फिर सिखाएंगे इसमें, बराबर। और कोई डाउट बचा हुआ है क्या बच्चों लिमिट्स में? सर आपने वहां पे माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर क्यों लिखा है? एक मिनट कौन सा बता? ये वाला? ये यस सर। बेटा एक बार बता, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? इसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वन बाई एक्स का डेरिवेटिव कॉस वन बाई एक्स, और फिर वन बाई एक्स का भी तो डेरिवेटिव आएगा। यस सर। वो कितना होता है? अच्छा यस सर, है ना, वो वाला लिखा है। ओके यस सर, ठीक है, चलो आगे। अच्छा और कोई डाउट बचा हुआ है क्या उसमें? जब हम स्टैंडर्ड एलिप्स के लिए स्टैंडर्ड हाइपरबोला के लिए हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे, एलिप्स में कोई एसिम्प्टोट नहीं होता है, हाइपरबोला में होता है, y इक्वल टू प्लस माइनस b बाय ax ऐसा कुछ होता है। यस सर। हां तो उसमें उन्होंने मतलब जब डिराइव करा था उन्होंने बीच में ही लिमिट डाल दिया जो आपने लास्ट क्लास ना बोला था करने को। नहीं नहीं देख सुन मेरी बात, ये जो चीज है ना, कभी लिमिट डाल देना और कभी लिमिट नहीं डाल देना, ये जो ना ये टीचर्स पे डिपेंड करता है कि एक टीचर को आइडिया है कि हाँ लिमिट डालने से नुकसान नहीं होगा तो वो डाल दे, एक बच्चे को आइडिया नहीं है कि हाँ लिमिट डाल देने से नुकसान होगा वो नहीं डालेगा। मतलब इट डिपेंड्स कि आप लोगों को आइडिया है कि इंटरमीडिएट लिमिट यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बहुत बार कर सकते हैं कुछ बार नहीं भी कर सकते हैं, इसलिए वो कॉन्सेप्ट नहीं है। लिमिट किसी भी फंक्शन में एक ही साथ टेस्ट, बस बेटा एक बात बता, इतना बड़ा फंक्शन है उसकी इस पार्ट में तो लिमिट यूज कर ले। अरे यार ग्राफ तो पूरे फंक्शन का बनेगा तब देखेगा ना कि इसकी हाइट क्या है। ये बता, ये वाला क्वेश्चन देख, ये ध्यान से देखिए क्वेश्चन, वन माइनस कॉस एक्स इंटू अंडर रूट कॉस टू एक्स, ये मैंने कराया शायद लास्ट टाइम, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, बराबर। अब एक बात बता, एक्सटेंडिंग टू जीरो के लिए बेटा ये कितना बन रहा है? वन बन रहा है ना, तो कैन आई राइट इट वन माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर? यस ऑब्वियसली, यस सर, है ना। अब इसका तो फॉर्मूला पता है, इसका तो लास्ट टाइम किया था ना, इसका आंसर हाँ पता है, यस सर, लास्ट लेक्चर में, बराबर। लेकिन बच्चे इसका हाफ आंसर रॉन्ग है। अब तो सोच, अरे बाबा एक्सटेंडिंग टू जीरो के लिए ये वाला जो पार्ट बनता है बेटा, ये एग्जैक्ट वन तो नहीं बनता ना? नहीं सर, थोड़ा वन से कम बनेगा ना, मतलब मान ले वन से कम थोड़ा ऐसा बनेगा 0.999, पूरी जिंदगी 9 लिखता जाए, एंड में 9 लिखती चलती है। अब बताइए, डू यू हैव अ फॉर्मूला कि इसको मल्टीप्लाई करो cos x से 1 माइनस, डू यू हैव अ फॉर्मूला कि ये 2 sin स्क्वायर x by 2 होता है? बता, समझा सर? गलत हो जाएगा ना? हाँ सर। हाँ तो इंटरमीडिएट लिमिट जो है ना, ऐसे जब फॉर्मूलेज यूटिलाइज करते हो ना तब नहीं लगता है। आप लॉ थोड़ी बनाओगे यार, ऐसे कोई एक्सेप्शन थोड़ी लिखोगे, अपने को तो एक्सेप्शन की कोई बुक थोड़ी बनानी है भाई, लॉ बना लो कि इंटरमीडिएट लिमिट नहीं लगानी, दैट्स इट। अब टीचर को प्रैक्टिस है तो लगा लेता है कभी कभी, और मैं तुम लोग को इतना बता सकता हूँ कि तुम लोग को भी प्रैक्टिस हो जाएगी, पता लग जाएगा कि यहाँ लगानी और यहाँ नहीं लगानी, स्टार्ट ही तो किया यार चैप्टर, है ना, उसको हेडेक मत ले, मतलब कभी चल एक काम करते हैं, ध्यान दे इस क्वेश्चन पे, सब बच्चे ध्यान दो, ये करा ही देता हूँ एक क्वेश्चन। अच्छा बच्चों इस क्वेश्चन को कर लेते हैं पहले, इसको करेंगे कैसे बताओ? अब ये तो गलत हो गया हाफ तो आंसर इसका, मैंने बोल दिया नहीं आ रहा, अपन गलत भी कर सकते थे। एक काम करें बच्चों, इसमें इसको ऐसे करते हैं, वन माइनस कॉस एक्स इंटू अंडर रूट कॉस टू एक्स अपॉन टू, एक ऐसा नहीं होगा इरिटेटिंग सा बच्चा क्लास में बोलेगा, जैसे पढ़ाते पढ़ाते बीच में मैंने इसको वन लिख दिया और इसका आंसर हाफ लिख दिया, फिर मैं 2 मिनट जो है ना डैश पे एक चक्कर मारा दूसरा चक्कर मारा, फिर शुभम
हमारे हमारा एक बच्चा है शुभम पटेल, लास्ट ईयर का बच्चा है, राइट। तो बड़ा स्कॉलर बच्चा है, ऐसी नहीं है, खराब बच्चा नहीं है। तो लाइक अच्छा, उसका कल मैंने स्कॉलरशिप फॉर्म पे कुछ रिकमेंडेशन भेजा है रिलायंस स्कॉलरशिप का, तो कल मेरा एनी डेस्क लेकर के खुद ही फॉर्म भर रहा था, राइट। तो मैं थोड़ी थोड़ी चीजें करेक्ट करके बता रहा था क्या करना है क्या नहीं करना है। तो शुभम पटेल जैसा एक स्टूडेंट क्या करेगा पता है, यहाँ कीड़ा करेगा, वो बोलेगा कि सर इट्स फाइन, ये नहीं लिखा है मैंने, हाँ ये मैंने नहीं लिखा है, मैंने आंसर लिख दिया और फिर मैं टेस्टिंग प्रोसेस में जा रहा हूँ कि बच्चे क्या बोलते हैं देखते हैं, है ना। तो शुभम पटेल बोलेगा सर इट्स फाइन यू हैव गॉट द आंसर, यही स्टाइल है उसका, हाँ अंधेरी का बच्चा है, तुमसे मिलवाऊंगा जब ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी ना, ही विल कम। वो बोलेगा सर इट्स राइट द आंसर इज हाफ बट यू हैव पुट दिस इज इक्वल टू वन, यू कैन डू दिस ऑल्सो। बताओ गलत तो नहीं बोला ना उसने, बोलो बच्चों। यस सर। अरे बाबा उसने गलत क्या बोला, उसने सही बोला, वो पकड़ रहा है टीचर को कि भाई ठीक है आपने कर लिया, क्यों कर लिया, क्योंकि यू आर कंफर्टेबल विद दिस, यू आर कंफर्टेबल विद दिस। बोलो बच्चों सही है कि नहीं है। यस यस सर। अरे शुभम पटेल ऐसे ऑर्डिनरी बच्चा नहीं है, वो थोड़ा सा ऐसे सोच सोच करके क्वेश्चन पूछता हुआ पता लगे। मैं बताता हूँ तुम्हें कैसा बच्चा है, फिजिक्स का डाउट उसको पूछना एक टीचर से, राइट। तो मेरी क्लास छूटी और मेरे साथ साथ आया पीछे, तो मुझे लगा मुझसे डाउट पूछना है, राइट। मेरे बाजू में फिजिक्स वाले सर बैठे हुए हैं, राइट, एक लंबे लंबे बाल वाले सर थे, अभी नहीं है हमारे साथ में, कुछ दूसरी ब्रांच में पढ़ाते हैं, अंधेरी ब्रांच में नहीं पढ़ाते, राइट। अब मैं इंतजार कर रहा है मुझसे क्वेश्चन पूछेगा और पेजेस पलट रहा है, वो पेज पलट रहा है। मैंने 5 मिनट बाद उसको पूछा, मैंने कहा यार तुझे 5 मिनट हो गया, 15 मिनट का ब्रेक होता है, हम लोग को थोड़ा ब्रेकफास्ट लेना है, तो तुझे क्वेश्चन पूछना तो क्वेश्चन पूछना। तो पता है क्या बोलता है, सर आपसे नहीं पूछना, वो फिजिक्स वाले सर से पूछना है, और मेरे को क्वेश्चन नहीं मिल रहा जो पूछना है। तो मैंने कहा चल ठीक है, मैं उससे नहीं पूछना, तो फिजिक्स वाले सर ही जवाब दे। पूरे 15 मिनट खत्म हो गए, ब्रेक खत्म हो गया, तो फिजिक्स वाले सर को क्या जवाब दे रहा है, सॉरी सर वो क्वेश्चन मेरे को मिला नहीं, मैं अगले ब्रेक में आ जाऊं क्या। कसके मैंने डांटा उसको, सब रिकॉर्डिंग में जा रहा है, सुनाना उसको, ये करेक्ट इवेंट है, ऐसी इवेंट है, उसके साथ बहुत सारी इवेंट जुड़ी हुई है एक्चुअली। अच्छा 200 में रैंक है उसका, हाँ खराब रैंक नहीं है, बहुत ऐसे डेप्थ में पढ़ता था एक्चुअली, और लास्ट मोमेंट तक, मतलब कल IIT है तो आज भी अपने डाउट्स पूछता था, और मतलब जूम विंडो पे आके, तो वो ये क्वेश्चन पूछता है, वो ये एग्जैक्ट क्वेश्चन उसका पूछा हुआ है कि सर ये क्या किया है आपने, ये कर, ओके आई एग्री कि आपको कंफर्टेबल लग रहा है, बट ये भी तो कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं, बोलो बच्चों कर सकते हैं ना। यस सर। हाँ ऐसे पढ़ने से मार्क्स आते हैं, अब भले 50 क्वेश्चन की जगह ये 2 ही क्वेश्चन कर लो बहुत। तो बच्चों ये भी लिखना गलत है और ये भी लिखना गलत है, हो सकता है ऐसा लिखने से तुम्हारे आंसर आ जाए, लेकिन तुम कर दो वही काम रहे हो ना जो यहाँ कर रहे हो, वही यहाँ कर रहे हो, बराबर ना। रैशनलाइज करोगे तो कुछ तो लिखा हुआ है इसके पीछे, उसके बाद रैशनलाइज कर रहे हो तो स्टेप तो गलत ही लिख दोगे ना बच्चों, क्या बोलते हो बच्चों? यस सर। हाँ तो यहाँ पे इंटरमीडिएट लिमिट नहीं लिख सकते, तो बच्चों यहाँ इसको सॉल्व करने का तरीका बन जाएगा ये 1 cos² x (cos 2x) / (x²) बच्चों बताओ मैंने क्या किया, 1 cos x (√cos 2x) बराबर। अब बच्चों ये हो जाएगा, अब इस cos 2x क्या लिख दो, 1 cos²x। अच्छा तुम्हारा पर्पस तुम्हें पता है ना क्या है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म गायब करना, तो अब ये तो पढ़ाई रख गया, तो ये क्वेश्चन पढ़ाई रहेगा बच्चों, ये नहीं तुम्हें लग रहा जोकर है, ये तो एंड तक चलता रहेगा आंसर, इसका आंसर तो 1/2 ही आएगा एंड में, बताओ क्या बोलते हो? यस सर। यस सर। यस सर। बच्चों बस ये जो जोकर होता है ना, अगर तुमने इसको पहचान लिया ना, तो जोकर में हमेशा इंटरमीडिएट लिमिट रखना चलता है, और पता है जोकर को पहचानना लिमिट्स में, कम से कम 25-30 क्वेश्चन अच्छे वाले सॉल्व करना बहुत है, उससे पकड़ में आ जाता है कि जोकर कौन है जिसमें लिमिट डायरेक्ट रख सकते हैं बीच में, इसलिए अभी जल्दबाजी मत करो। बच्चों इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, 1 - 2 sin²x,
बताओ ये क्वेश्चन यहां से इनटू जोकर इनटू जे, जे है वन बाई ए, बोलो बच्चों लिख सकता हूं क्या? यस सर। अच्छा इसका फायदा क्या, चलो बताओ इसका फायदा क्या, कॉस स्क्वायर एक्स इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, बराबर है? यस सर। और फिर इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला बच्चों, प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। अब मेरे को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है बच्चों, बच्चों इनटू, मैं तो लिख रहा हूं नीचे डायरेक्ट वन बाई, बुरा मत मान जाओ तुम लोग, ये जे है बच्चों, आप वो माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स नहीं लिखा बेटा, लिख दिया ना देख, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया ना सर, एक टर्म आएगा ना, क्या बोल रहा है बेटा सर, माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स का टर्म आएगा। हाँ सर। सर वो उन्हें लग रहा कि कॉस स्क्वायर एक्स, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट में नहीं। अरे यार ऐसा नहीं है, ये दोनों मल्टीप्लाइड है बेटा। नहीं सर, वो ही उन्हें लग रहा है इसलिए। हाँ सर, ये cos square x आया, इसको 1 minus 2 sin square x लिखा, तो cos square x को इससे मल्टीप्लाई किया, इससे मल्टीप्लाई किया। नहीं सर, उन लोगों को लग रहा है कि आप 1 minus cos square x को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, 1 minus cos square x। ऐसा नहीं कर रहा है। अब बेटा ये x square को स्प्लिट करना है, तुम्हें पता है क्या कैसे स्प्लिट करना है, ये बताओ कर सकते हैं? ये कितना बन गया, sin square x बन गया ना। यस सर। साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर कितना बना बच्चों? सर वन 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 स्क्वायर। देखो थोड़ा अलर्ट रहो, हाँ सिर्फ अच्छा कहने से अच्छा नहीं बन जाते हैं, अलर्ट रहना पड़ता है और रिएक्ट करना पड़ता है। ये वन स्क्वायर बन गया बच्चों, ये देखो, ये देखो ध्यान से देखो, बोलो सर वन, ये भी वन बन गया, ये वन वन, तो यहाँ टोटल में कितना बच गया, ये बच गया वन, कितना हो गया ये टोटल, थ्री हो गया ना, कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है बच्चों? नो सर। ये थ्री और ये हाफ, कितना आंसर आया, रॉन्ग हो गया ना, ये आंसर रॉन्ग था ना, समझ में आ रहा है तुम्हें? इंटरमीडिएट लिमिट रखना इज नॉट अ क्राइम, बट यू शुड अंडरस्टैंड द फैक्ट। देखो यहाँ लिखी मैंने इंडिटरमिनेट फॉर्म, यहाँ रख दिया ना जोकर में, तुम्हें पता है यार ये टर्म एंड तक मल्टीप्लाई होती ही चली जाएगी और इनडिटरमिनेंट फॉर्म ये बनाएगी नहीं कभी भी, तो फाइनली इसका आंसर तो जो है इससे मल्टीप्लाई ही होएगा एंड में। तो 1/2 1/2 1/2 बहुत देर तक लिखते रहो, या फिर इसी टर्म को, सेम टर्म को जिसको जे लिखा है सेम लिखते रहो, फिर एंड में यहां जब लिमिट डालोगे ना बच्चों तब यहां भी डाल दो तो आंसर आ जाएगा। लेकिन तुम्हारी प्रैक्टिस में ये तभी होना चाहिए जब तुम्हें कॉन्फिडेंस हो कि मैं कर सकता हूँ, समझ में आई कहानी? तो फिर आपने कल की क्लास में 1/2 क्यों लिखा था? कौन सा बच्चों? सर फिर आपने कल की क्लास में 1/2 क्यों लिखा? ये तो इसका रिजल्ट लिखा मैंने। अच्छा यस सर। कल की क्लास में इसका रिजल्ट 1/2 लिखा, ये थोड़ी 1/2 है, इसका आंसर 1/2 नहीं, इसका आंसर कितना आ रहा है पता है ना, ये रहा 3/2। यस सर यस सर। इसका तो 1/2 है, कल किया था ना अपन लोगों ने। यस सर यस सर। हां बोलना सर, अगर किसी क्वेश्चन में sin x स्क्वायर दिया है और x टेंड्स टू 0 उसको sin स्क्वायर x लिख सकते हो? रुकना रुकना रुकना, साइन एक्स स्क्वायर दिया हुआ है और सर एक्स जीरो को टेंड कर रहा है, एक्स जीरो को टेंड कर रहा है, अब क्या करूं सर, इसको साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं? ऐसा हो सकता है कि साइन 30 स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 30, हो सकता है सर, बट एक्स टेंड्स टू 0 है ना। अच्छा ओ मस्त मस्त है तू, एक बात है x tends to 0 के लिए sin x square और sin x same होगा, है ना, यही कह रहा है ना? नहीं सर, ये sin square x के equal होना चाहिए। ये sin square x के equal होएगा। हाँ सर। ओ, अच्छा। ये function periodic है कि नहीं है? Yes। और ये? Yes। ओए कुछ भी मत बोल। अच्छा नहीं है सर, sorry। देख जीरो के अराउंड इनकी वैल्यू सेम आ रही है ना, इसलिए स्क्वायर कर दे रहा है तू, है ना? हाँ सर। तू खेल रहा है। फिजिक्स में लिख सकते हैं। अरे यार ऐसे मत कर प्लीज, कहीं भी नहीं लिख सकते।
देख तू खेल रहा है फंक्शंस के साथ में, खेल मत, समझ ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, ये पीरियोडिक फंक्शन है। तो जीरो के अराउंड मतलब मान ले कोई फंक्शन, एक ग्राफ बनाइए स्ट्रेट लाइन का, राइट, ये दूसरी स्ट्रेट लाइन ये बन गई। अगर ये इंटरसेक्शन पॉइंट को देख करके तू बोले कि सर सर ये स्ट्रेट लाइन जो ना ये वाली है, गलत नहीं है। कोई दूसरा बच्चा बोलेगा नहीं नहीं ये वाली नहीं है, ये वाली है, वो भी गलत नहीं है, बराबर ना, क्योंकि दोनों स्ट्रेट लाइन एक इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रही है। तो जीरो के अराउंड जो तू है ना फॉर्चुनेटली ये लिख पा रहा है, बट दिस इज नॉट करेक्ट ऑलवेज। डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? यस। हाँ तो देख, तो फिर इसका आंसर भी सेम ही आता है, साइन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर ले ले एक्सटेंडिंग टू जीरो के लिए, चाहे तू साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर ले ले, दोनों का आंसर वही तो आता है। Yes, sir. लेकिन ये इसके लिए ही आता है बस, वरना नहीं लिख सकते, बराबर है? Yes. इसलिए तू तेरे लिए एडवाइस ये है कि कभी मत लिख, समझ रहा है? हाँ सर। बता मैंने ऐसा क्यों बोला, जब तू साइन एक्स क्यूब लेगा ना तब बहुत झंझट हो जाएगी। नहीं वैसे तो क्यूब आ रहा है तो जीरो माइनस में जीरो ही बनेगा, नहीं होगी, तेरी तकदीर अच्छी है, नहीं होगी, जीरो के अराउंड नहीं होगा कुछ भी, लेकिन वैसे हो जाएगा, मतलब तो जीरो माइनस और जीरो प्लस में फिर वो जीरो प्लस जीरो माइनस में भी सेम ही रहेगा। फिर अगर कॉस ऐसा कुछ होता तो फिर उसमें नहीं, कॉस में भी हो ही जाता, कॉस क्यूब एक्स में और कॉस में, कॉस में माइनस का फर्क नहीं पड़ता ना एक्चुअली। तो अपन एक गलत डिस्कशन पे निकल रहे हैं एक्चुअली, जिसका कुछ मीनिंग नहीं है। ओके चलो, अच्छा बच्चों ये बताओ, चलो एक्सटेंडिंग टू जीरो के लिए, ध्यान देना, एक्सटेंडिंग टू जीरो के लिए साइन एक्स माइनस टेन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। बच्चों मेथड वन डिफरेंशिएशन कर दोगे ना सर? इतना मेहनत क्यों करना इसमें? अरे रुको ना यार, रुको ना, मेथड वन लिखा है ना। हाँ सर। तो मैं तो खुद ही नहीं कर रहा, करना है, लेकिन ये मेथड तो है ना। यस सर। मेथड टू एक्सपेंशन, बोलो बच्चों एक्सपेंशन याद है ना, छह एक्सपेंशन याद करने के लिए बोला था ना सर आपने। yes. बोला था कि tan x का याद करना जरूरी नहीं है। नहीं तीन टर्म, चौथी टर्म याद मत करो। ओके सर। है ना, उससे भी हो जाएगा ना, करके दिखाऊं? नहीं सर, हो जाएगा। अच्छा मेथड थ्री, बच्चों एक काम करते हैं, tan x कॉमन लेते हैं, tan x कॉमन, बताओ क्या बचा? sin x अपॉन tan x क्या होता है बच्चों? cos x होता है ना। ऐसे yes, sin x अपॉन sin x upon cos x, cos x होता है ना, बोलो बच्चों। yes, sir. Divided by x, इस divided by x को यहां लिख दो बच्चों। yes, sir. अच्छा extending to zero के लिए बच्चों ये कितना बन रहा है? one. और extending to zero के लिए ये कितना बन रहा है? zero. आंसर कितना आ गया? zero, बराबर है ना? yes, sir. कुछ भी गलत नहीं है बच्चों। method four, सब लोग ध्यान देना, साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस टेन एक्स अपॉन एक्स लिख सकते हैं ना? यस सर। अब बच्चों एक चीज बताओ, इस पूरे फंक्शन में एक साथ लिमिट तो डाल ही सकते हैं ना, ये फंक्शन तो पूरा का पूरा एक साथ ही है ना, ये कितना बन गया? जीरो तो आएगा। यस सर। यस सर, करेक्ट है ना, किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं ना, बराबर है बच्चों? यस सर। लेकिन बच्चों जरा ध्यान देना, अगर मैं क्वेश्चन लिखूं ये वाला, सब लोग ध्यान देना, यही सिखाने के लिए जरूरी है, अगर मैं क्वेश्चन लिखूं ये वाला साइन एक्स माइनस टेन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब और लिमिट है एक्सटेंडिंग टू जीरो, इस बच्चों इसको सॉल्व करने का पहला मेथड बच्चों डिफरेंशिएशन, बिल्कुल आ जाएगा उससे आंसर। हाँ मेहनत लगेगी लेकिन आ जाएगा। मेथड टू एक्सपेंशन बच्चों, उससे भी आ जाएगा, इससे भी आ जाएगा, इससे भी आ जाएगा। मेथड थ्री बच्चों, मेथड थ्री एक काम करते हैं, ऐसे करते हैं साइन एक्स बाई एक्स इंटू वन बाई एक्स स्क्वायर, सही है सर? नो, देख सकता हूं? यस। पहली टर्म माइनस टेन एक्स बाई एक्स इंटू वन बाई एक्स स्क्वायर, बच्चों सही है सर? नो। यस। अच्छा बताओ एक्सटेंडिंग टू जीरो के लिए ये कितना हो गया बच्चों? वन, तो वन हो गया। और ये वन,
Can I write it 1 by x square minus 1 by x square? Yes. ये कितना आ गया? जीरो. बच्चों इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी है ना सर. अबे 1 by x square minus 1 by x square तो जीरो ही होगा ना सर. वो ऐसे लेकिन नहीं सकते. अच्छा x square एलसीएम ले ले, x square एलसीएम ले ले, मत बोल. 1 minus 1 exact 1 minus exact 1 जीरो हो गया ना. exact 0 by tends to 0 जीरो ही होगा ना. बट ऐसा तो फिर sin x by x पे एग्जैक्ट 1 तो नहीं होगा. सर इसमें तो लिमिट से लिमिट डालने के पहले ही 0 आ रहा है तो लिमिट. देखो बच्चों हां नहीं नहीं तुमने पकड़ लिया मुझे. आई एम हैप्पी कि तुमने मुझे पकड़ लिया है ना. बच्चों एक बात ध्यान दो, कभी भी इंटरमीडिएट लिमिट रखो ही मत. यहां इसको 1 लिख रहे हो तो यहां भी साथ में लिखो तो इंफिनिटी हो जाएगा ना. मानते हो ना? यस सर. इसको 1 लिखते इसको भी लिमिट रखो. इसको 1 लिखते इसको भी इंफिनिटी 1 लिखो तो ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म बनता है ना बच्चों. ये नहीं बनता. yes. ये रॉन्ग है. ये मेथड 3 का ये वाला रॉन्ग है बच्चों. मेथड 4 करेक्ट है इसका. ये 10x कॉमन लो बच्चों. अंदर तो सेम ही बचेगा cos x minus 1 से. यस और नो? यस सर. यस. और नीचे x क्यूब है बच्चों. अब x क्यूब को अपने को x क्यूब में से x तो इस 10x को दे दो बच्चों. x क्यूब में से x तो इस 10x को दे दो. और बच्चों x स्क्वायर इसको दे दो. बताओ इसका आंसर क्या है? One. और बच्चों ये क्या है? माइनस हाफ है कि नहीं है? यस सर. यस यस. क्या है ना यार, नोट्स वोट्स पढ़ के आया करो प्लीज. हाँ सर. माइनस है. ठीक है. अब जो बच्चे प्रेजेंट नहीं है ना उनके लिए इतना नुकसान बहुत है. इससे ज्यादा नुकसान नहीं करते. ठीक है ना. ये तो पुराने नोट्स जो है ना सारे पढ़ के आओ बच्चों. मतलब तुम्हारे लिमिट्स में पुराने नोट्स नहीं पढ़ोगे ना तो अब क्या होगा, बाउंसर क्वेश्चन आना शुरू हो जाएंगे. जैसे एक क्वेश्चन मैंने तुम लोगों को दिया था, मुझे याद नहीं तुम लोगों ने किया है कि नहीं किया है. ये वाला क्वेश्चन बच्चों किसी ने किया क्या? 1 अपॉन x माइनस फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय x इनटू x प्लस 1. आपने क्लास में करा दिया था ये? क्लास में करवाया. सीरीज में आता आंसर. अच्छा करा दिया था क्या इसका आंसर मैंने? हां. अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी. ये फ्लैगशिप वालों को बचा हुआ था एक्चुअली. दो ही बच्चों को आया, मतलब ऑफलाइन भी किया तो दो बच्चों. पता नहीं फिर उसके बाद तो आए होगा बहुत लोग को, लेकिन क्लास में मैंने देखे छोड़ दिया था तो ज्यादा बच्चों को आया नहीं था. इसका आंसर ये वाला आ रहा था ना? यस. हाँ सर. ओके 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 सर. हाँ बोल ना बेटा. और सब प्रीवियस क्लास आपने होमवर्क दिया था उसका खाली आंसर आप बता सकते हो कंफर्म करने के लिए? हाँ बोल ना. बोल 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 बोल. सर लिमिट x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 x टेंडिंग टू 1. x स्क्वायर प्लस माइनस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ x माइनस 1. यस सर. बराबर है ना? इसको ऐसे ही तो लिखेगा x माइनस 1 अपॉन साइन x माइनस 1 है ना इनटू x माइनस 1. ऐसे लिखेगा ना बेटा? यस. एक्सटेंडिंग टू 1 के लिए ये तो 1 बन जाएगा ना, तो वो एग्जैक्ट 0 हो जाएगा और ये एग्जैक्ट 0 हो जाएगा. मतलब टेंडिंग टू 0 भी रहेगा तब भी ऐसा लिखेगा ना, टेंड्स टू 1 इनटू टेंड्स टू 0 तो टेंड्स टू 0 ही आएगा, वैल्यू 0 आ जाएगी. ठीक है क्या? यस सर. तो वो वाला आपने टेंडिंग टू 1 क्यों लिखा था वो बताओ. क्या वापस पूछ, क्या पूछ रहा है? वो टेंडिंग टू 1 क्यों लिखा था एक बार बताओ. अरे बाबा ये फॉर्मूला याद है ना, sin x / x क्या होता है? 1 ही होता है ना. यस वो तो 1. तो 1 तो वैल्यू होती है. अच्छा ओके सर. यस सर गॉट इट सर. हां इसलिए मैंने लिखा ये टेंड्स टू 1 ये टेंड्स टू 0 तो आंसर टेंड्स टू 0 बट वैल्यू ऑफ द लिमिट विल बी 0 समथिंग लाइक दैट. ओके. और कोई बच्चों कोई कॉन्सेप्चुअल डाउट? अच्छा तुम लोग का वो शीट हो गया है जो तुम लोग को दिया था मैंने? कौन सा क्या तुमने मांगा था ना एसएनएस पे, किस पे क्या क्या मांगा था कुछ? हां सर एसएनएस पे 60 क्वेश्चंस. हां तो हो गया है तुम लोग को?